राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के दो छात्रों के बीच झगड़े ने भयानक रूप ले लिया, जिसके चलते प्रशासन ने धारा 144 लागू करने के साथ साथ इंटरनेट सेवा बंद कर दी। वहीं आज की स्कूल और कॉलेज की छुट्टी भी कर दी गई। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। गौरतलब है कि एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से वार कर दिया। घटना को लेकर शहर में माहौल गरमाया, लोगों ने प्रदर्शन कर बाजार बंद करवा दिए। इस दौरान धर्म स्थल पर पत्थर फेंकने के साथ ही कई जगहों पर तोड़फोड़ कर दी गई। दो जगहों पर गाड़ियों में आग लगा दी गई तो चार जगहों पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। आरोपी छात्र को हिरासत में लिया, वही उसके पिता को गिरफ्तार किया है। वही इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, उदयपुर में बने सांप्रदायिक तनाव के हालात चिंताजनक है। मैं सभी वर्ग के लोगों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट ने भी उदयपुर घटना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, उदयपुर में बने तनावपूर्ण हालात चिंताजनक है। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप सभी एकता, भाईचारा और शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। मैं सरकार और प्रशासन से आग्रह करता हूं कि परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।